रहा है सब जानते हैं, और ये कलाम इसलिए पढ़ रहा हूँ कि इस कलाम में आप लोग आमीन कहते रहिएगा। मेरा अकीदा है कि फिलिस्तीन के मुसलमानों को राहत मिलती रहेगी, है ना। मैं मतलब पहुँचा रहा हूँ, वहाँ का बच्चा बच्चा आज रो रो के बस यही दुआ करता है कि हर बला से निकाल दे मौला, के हर बला से निकाल दे मौला, हर बला से निकाल दे मौला, के हर बला से दे मौला, खुशियाँ दामन में डाल दे मौला, हर बला से निकाल दे मौला। अब एक शेर, हम गुनहगार हैं, खताकार हैं, हमारी जबान उस लायक नहीं कि हम दुआ कर सकें, लेकिन कसम खुदा की एक वास्ता देने जा रहा हूँ, हम आले रसूल के चाहने वाले हैं। या खुदा, हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन ये जरूर है क्या के वास्ता फाते मां के लालों का। अगर आले रसूल से मोहब्बत है तो वही दोनों हाथ उठाकर कहें या हुसैन, वास्ता फाते मां के लालों का, के वास्ता फाते को टाल दे मौला, को टाल दे तू मुसीबत को टाल दे मौला। अच्छा, यहाँ कितने लोग हैं जो दुआ करते हैं, वाहत भाई दुआ करते हैं, कितने लोग करते हैं, कहें सुभान अल्लाह, अल्लाह सबकी दुआओं को कबूल फरमाए। अब एक शेर, हम भी दुआ करते हैं, हमारे कमेटी वाले भी दुआ करते हैं, हमारे उलमा भी दुआ करते हैं, लेकिन एक बच्चा, एक माँ का वफादार बेटा रातों को उठता है और रब की बारगाह में रो रो के कहता है कि सारे आलम की हर खुशी मेरी। इस शेर पे वही बोलिएगा जो माँ का वफादार बेटा है, अरे सारे आलम की हर खुशी मेरी। परवरदिगार, मैं करोड़पति नहीं बनना चाहता, मैं अमीर नहीं बनना चाहता, ऐ मेरे परवरदिगार, बस यही एक दुआ है कि सारे आलम की हर खुशी मेरी, कि सारे हर आलम की हर
चल जिंदाबाद माशाल्लाह 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 अल्लाह सलामत रखे हर बला से निकाल दे मक्ता सुने और दुआ करें कि अख्तर परवाज जब तक जिंदा है नबी की नात लिखता रहे पढ़ता रहे और जब इस दुनिया से जाएं तो ज़बां पर नबी की नात पढ़ते हुए जाएं आमीन। इसलिए अख्तर परवाज की ख्वाहिश क्या है मुलाहिदा फरमाएं कि उम्र भरे नात लिख सके अख्तर उम्र भरे नात पढ़ सके अख्तर मरहबा 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 या अली हर बला से निकाल दे मौला हर बला से निकाल दे मौला सारे आलम की हर खुशी मेरे माँ के आंचल में डाल दे